सर सर कुछ भी नहीं बोल रहा, उसको बोला रहे भाई नहीं भाई जो भाभी जरा जो बोला हो और कौन कौन कुछ भी नहीं कहा है घर का ये सब है ये घर रख लगे यहाँ नहीं बैठे तो सब कर रहे बोलिए वो ये कौन है इंदा अरे इधर इधर मम इधर कहाँ है कौन है कहाँ जा रहे नहीं वाले वो बंद कुछ नहीं बोलता टाइम क्या बाबू ठहरा अरे इधर आओ इधर आओ जी कुछ नहीं अब टाइम क्या हो रहा बोल का मतलब हो तुम लोग और दिन में काम को जाते ना काम कैसे ठहरे ड्यूटी करने के लिए वही तोड़ो तो पहले वैसा नहीं ठहरना बोल के काउंसलिंग कर रहे हैं बोल रहे हैं बता रहे हमारा बात से सुनो इधर आओ जी अरे बाबू इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ कुछ ना तो इधर इधर आओ इधर आओ जी थोड़ा सा तो मतलब तुम लोग काम के लिए उसे से बात कर के चले जा रहे पेंट के लिए ठहरे पेंट का मैट में करना है हमको इसलिए ठहरे अरे इधर आओ जी तुम टाइम पे नहीं बैठना हेलो तुम बैठे तो भी अरे बाबू सुनो ऐसा बैठे तो भी दो तीन बात बात कर लेके चले जाना अच्छी बात हाँ ऐसा सॉरी हम नाइट में ड्यूटी करके वहाँ से कर रहे हैं तुम लोग अच्छा सो जाना फिर सुबह में उठ के काम को जाते तुम लोग जाने वाले हैं यहाँ काली बिली गांजा पिंजे पी के कई को यूथ है तुम लोग यूथ में कैसा खराब होता है हेल्थ खराब हो जाता है तुम लोग बुरी आदत है नहीं सब ऐसा कुछ भी नहीं सर का कुछ भी वो नहीं अब हम लोग थोड़ा उसके आपसे डाका जैसे रुके थे वीडियोग्राफ बुला उनको भी बुला कई को काली बिली अब बाबू साइलेंस साइलेंस इसका कुछ फोटो फोटो अरे ये इलेक्ट्रिशियन ये सब गाड़ी में आ गए करोड़ सुनार मेरे सर घर पे से आ घर से आ रहे इधर किधर जा रहे सिटी जा रहे थे सिविल खाना जा रहे हॉस्पिटल अभी डिलीवरी हुई है अच्छा लास्ट वीक ले ले ओके रात में नहीं फिर ना आईटी एम्प्लॉय मेरे को मालूम रात का क्या कर रहा है पूरा चेकिंग कर रहा था मालूम था वो भी सेलिब्रेशन हो रहा बोल के जा रहा था हमारा भी जनरल चेकिंग है जा पूरा उधर बाबू पूरा उधर भैया डी रात में डेकोर डेकोर मेरे कहाँ से आ रहे हैं रात में करो ఇక్కడ మీ ఆఫీస్ ఎక్కడ గచ్చిబౌలి ఆఫీస్ దగ్గర రండి దగ్గర రండి అందరు వాళ్ళు కూడా రండి ఎంతమంది చేశారు ఎందుకు తినేవారు టాక్సీ బండి ఆఫీస్ బండి అది టాక్సీ ఆఫీస్ వెహికల్ యూత్ ఖరాబ్ అవుతున్నారు డైలీ నైట్లో అక్కడక్కడ తిరుగుకుంటా అని చెప్పేసి మేము కౌన్సిలింగ్ చేద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసాము వేస్ట్గా తిరగకండి వేరే జాబ్ పర్పస్ అంటే ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు పోయినాక కూడా రెస్ట్ తీసుకోండి ఇండ్ల పండుకొని మళ్ళీ చెబుతారు మీరు అక్కడ ఇక్కడ కూర్చొని ఏదో సేపు తుమ్మలా నైట్ మే
क्या है बिहार में क्या है ये सर सर रात क्या दो बजे रात में किधर फिर रहे तुम रुक दो भाई तुम इसके ऊपर बैठे ना हाँ साहब नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ दोनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं ये रात में तुम जा रहे बोल रहे तुम किधर भी नहीं क्या काम करते हैं तुम लोग मैं टेंटिंग का काम करता हूँ फिर सुबह में जाने कर रहे थे ना तुम्हारे को रात में कैसे फिर रहे नींद खराब कर लेके कैसे भाई फिरने का अभी नहीं तुम्हारे नींद के लिए हम रोडों पे फिर रहे हैं रातों में तुम सोने का छोड़ दे के बाहर तुम भी फिर रहे हमारे ऐसा नहीं फिरना गाड़ी रखने रुके सोने जा रहे थे रात में नहीं फिरना 12-11 बजे बज गया खत्म घर में सो जाना और आइंदा मेरे को दिखे ना पक्का जल भी जाते बाहर निकलते हैं ना पिंपल लाने के लिए निकले थे अभी पहली बार छोड़ दे रहा हूँ आइंदा कभी दिखे तो पक्का जल भी जाते मैं चले जाओ ना भैया का नहीं है क्या बहुत कम है ना देखो ना हाँ वही समझ गया मैं इसलिए ब्रेक में ऐसा गाड़ी चला रहे बगैर हेलमेट के इतना रात में टाइम क्या हो रहा है अभी ये टाइम पे नहीं फिरना ना रोडों पे नहीं ना गाड़ी दूसरी का था मेरे डिक्की खोलो हेलो मैं एक कंपनी में काम करता ना ये तो उसका माल है हेलो कौन सा कंपनी है हेलो एसपीएल ये पूरा जो ये पटेल होटल लग रहा है व्हीकल चेकिंग जो एफसी में जो चिकन बनता ना उसका कोटिंग करना है पटेल होटल व्हीकल चेकिंग जब हेलो हाँ वो भी वही है दीदी को डिजाइन आंदा 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 ना डिजाइन कहाँ से ला रहे हैं जब जब आंदा बारा अच्छी बोली से ऑफिस और का ऑफिस है ना कोना हां तो स्कूल में क्या है आप ऑफिस ऑफिस से बंडे नंबर सुने सर बंडे आरसी लाइसेंस है कौन सा आ रहा है अभी किस्मतपुर इधर बैठो ना इधर वो चार्जिंग ले दो एमबीबीएस वही आ चार्जिंग लेट कोटा वो कल से बेस्ट नाइट कोट करेंगे इससे शहराज में मार करते हैं या फिर कुछ पूरा समझते हैं शहराज
ఉసుపురా చేస్తున్నాడు సార్ చేస్తున్నారండి సార్ ఇక్కడ పటేల్ సార్ ఇది జియగూడ బస్ స్టాప్ లాస్ట్ ये चार्जिंग का है నైట్ లో తిరగదు మళ్ళీ ఇంటికి పోయి పండుకోవాలి మీరు ఆ చెబుతారుల మీద కూర్చొని అక్కడ మంతకాల కొట్టుకుంటా అలాంటివి చేసుకోవద్దు మళ్ళీ మీరు ఎందుకంటే సాయంత్రం మళ్ళీ డ్యూటీ పోల పడుతుంది అదే ఫోన్ వెళ్ళిపోయింది టైం కావాలి బు డాటా లేని కదా టైమ్ ఐడిపిఎల్ పే ఎగ్జిబిషన్ టైమ్ లేట్ రెగ్యులర్ టైమింగ్ తో నికల్ నాకు బండి నెంబర్ లేదు ఎట్లా తెలుసు నాకు అట్లా కాదు బండ్లు దొంగతనం బండ్లు అయిపోతున్నాయి చోరీ వరే గాడీ అబోతుంది ఇప్పుడు ఆయనకి ఎందుకు చెప్తున్నావు రాత్రి పూట డాడీకి ఎందుకు చెప్తున్నావు పొద్దుగా తీసుకో బండి ఇలా పెట్టేసి టౌన్ లో ఉంటా బండి నెంబర్ చెప్తావా అర్థం కాదు నాకు ఎక్కేస్తున్నావు డ్యూటీకి పోయి చూస్తాను సార్ అరా రోషారు సార్ సీరియస్ డిటైల్ కడతా పిఎస్లో వేసి లేదు రేపు నెంబర్ అయితే ఉదరిందా మరి
దొరకండి. Thank you.